नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+, मैं हूं आपके साथ हनीश सहगल। बहुत सी योगा टेक्निक्स के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन एरियल योगा जो आप बहुत लोग जानते भी नहीं हैं, उसी बात को ध्यान में रखते हुए और मद्देनजर रखते हुए आप सभी के हेल्थ और फिजिक का ख्याल का ध्यान रखते हुए मिसिस तरनदीप कौर बिंद्रा जी, बहुत ही मशहूर जानी मानी डॉक्टर, डेंटिस्ट, फिटनेस मॉडल, फिटनेस ट्रेनर। इंट्रोडक्शन दिया जाए उतना तरनदीप जी का कम होगा, क्योंकि एरियल योगा में जो स्पेशलाइजेशन ये शुरू करी है इन्होंने, खासकर नोएडा में बहुत से लोग सीख रहे हैं एरियल योगा में, बहुत ज्यादा आगे तरक्की कर रहे हैं। तरनदीप जी ने बहुत सा अपना काम करके इस मुकाम तक वो पहुंची हैं, डेंटल लाइन में बहुत ज्यादा नाम कमाया है, जानी मानी डॉक्टर हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज्यादा काम किया है, और सबसे अच्छी बात है कि जो आजकल एरियल योगा सिखाने की इन्होंने प्रक्रिया शुरू करी है वो बहुत ही ज्यादा अलग है। आपको मिलवाते हैं तरनदीप कौर बिंद्रा जी से, जिनसे बात की जाएगी कि डॉक्टरी लाइन के साथ साथ समाज सेविका के साथ साथ एरियल योगा सिखाने की तकनीक उन्होंने कैसे सोची, क्या हम लोग योगा में ध्यान ज्यादा नहीं दे रहे हैं, बड़े से बड़े जिम्स खुल गए हैं, नई नई टेक्नोलॉजी एडवांस मशीनें आ गई हैं, फिर भी लोग योगा को भूलते जा रहे हैं, बहुत कम लोग योगा पर ध्यान देते हैं, योगा आसन करते हैं। बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आप लोगों को आजकल सोशल मीडिया पे योगा करते हुए दिखाई देते होंगे, लेकिन फिर भी जो आजकल छोटे बच्चे हैं वो योगा से मोटिवेट नहीं हुए हैं। तरनदीप जी बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच हनीश। डेंटल में इतना मुकाम हासिल करना, उसके बाद फिटनेस योगा ट्रेनर बनना और एरियल योगा, बहुत से लोग एरियल के बारे में जानते नहीं है, व्हाट इज एरियल योगा? एरियल योगा इज डन विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अ हैमॉक। तो इससे ये नॉर्मल योगा से कैसे डिफरेंट है? एरियल योगा में आपके जो सारे मसल्स हैं वो दुगनी बार यूज होते हैं, बिकॉज आप एंटी ग्रेविटी को कर रहे हैं, और इसको बाहर देशों में एंटी एजिंग योगा भी कहा जाता है। तो आपको यंग रहने के लिए ये योगा बहुत ही अच्छा है, प्लस इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बढ़ती है, बिकॉज इसमें सब सारा आप अपना अपर बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो आसन आपको फ्लोर पे नॉर्मल योगा करने में तकलीफ होती है, हैमॉक के सहारे ये आसानी से हो जाते हैं और आपकी बॉडी में बहुत ही जल्दी आप बदलाव देख सकते हैं। बहुत से मैम लोग योगा यूज नहीं करते हैं, योगा में उनको आलस आता है, लेकिन बल्कि जिम यूज करते हैं, लेकिन जिम के जो आजकल प्रोटीन्स आ रहे हैं, पाउडर्स आ रहे हैं, उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज भी होता है। देखिए, मैं बहुत साल जिम मैंने किया, लेकिन पिछले 4 सालों से मैं कम्प्लीटली योगा के अंदर हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि योगा सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं है, बट आपकी मेंटल वेलबींग के लिए है, और मेंटल वेलबींग आजकल के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ पर हम इतना लाइफ के अंदर स्ट्रेस है और सारा टाइम हम लोग का जो है कि दिमागी परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। आप योगा करने से आपको एक इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। कब से शुरू किया मैम आपने ये एरियल योगा ट्रेनिंग? एरियल योगा ट्रेनिंग के लिए मैं पिछले साल फरवरी में ऋषिकेश गई थी, और मेरा स्टूडियो पिछले साल खुलने वाला था लॉकडाउन से 1 हफ्ते बाद, बट जैसे पता है आपको पूरे वर्ल्ड को कोरोना ने हिट किया, सो बट नेवरदलेस व्हाट आई फील इज व्हेन इट्स द राइट मोमेंट, यू नो दैट इज द टाइम, यू नो एवरीथिंग वर्क्स इन इट्स प्लेस। सो आई एम ग्लैड, इस स्टूडियो की ओपनिंग 28 फरवरी को हुई थी और मार्च हमारा पहला महीना था, और जिसमें हमें बहुत अच्छा एरियल योगा का रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि ये नोएडा का फर्स्ट सेंटर है, और आई होप कि आगे भी लोग इसके अंदर अपना उत्सुकता जताएं। जिस तरह से मैम आप डेंटिस्ट में आपने बहुत ज़्यादा मुकाम हासिल करा है, लोग दांतों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आजकल जो होते हैं दांतों में गैप बन जाता है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, सेंसोडाइन टाइप का टूथपेस्ट बहुत से मार्केट में ब्रांड चल रहे हैं, बट उनसे भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ कंपनी प्रोडक्ट्स बेच रही है, लेकिन सेंसिटिविटी के लिए आप क्या कहेंगे, बिकॉज यू आर अ डेंटल एक्सपर्ट? सी, सेंसिटिविटी इसीलिए होती है, जो हमारी दांतों की ऊपर की लेयर होती है वो इनामल होती है, तो जैसे जैसे वो घसने लगती है तो नीचे की जो नर्व्स में है ठंडा गर्म हमें लगने लगता है। तो ये जो भी सारी टूथपेस्ट वगैरह मार्केट में अवेलेबल है, ये आपको एक टेम्पररी रिलीफ देती है,
बट इसका परमानेंट क्योर आपको, ये टूथपेस्ट सिर्फ आपको टेम्पररीली रिलीफ देंगे, इसका परमानेंट क्योर के लिए आपको स्पेशलाइज डेंटल ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वुमेन सेफ्टी पे मैं बात करना चाहूंगा, बिकॉज यू आर अ वुमेन एंड वुमेन सेफ्टी के ऊपर बात जरूरी बनती है, बिकॉज महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, महिला सुरक्षा के ऊपर बहुत सी सरकार काम कर रही है, फिर भी महिला आज सुरक्षा नहीं है। हमारे कंट्री में ये सबसे बड़ा मुद्दा है वुमेन सेफ्टी का, कि आज के टाइम में भी एक वुमेन अगर रात के 10 बजे घर से अकेले निकलती है, चाहे वो अपनी कार में भी हो, पर वो सेफ नहीं है। और ये हमारे लिए काफ़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि हम ऐसी कंट्री को बिलोंग करते हैं जहाँ पे औरतों की पूजा की जाती है, जैसे माँ सरस्वती, लक्ष्मी। तो ऐसे ऐसे देश के अंदर जहाँ पर नारी सुरक्षित नहीं है, ये हम सबके लिए शर्मनाक बात है। पर इसके लिए हम सिर्फ सरकार को अकेले दोषी नहीं दे सकते, इसे हर किसी को अपनी तरफ से कुछ योगदान देना जरूरी है। दूसरी चीज मैं सारी नारियों से ये कहना चाहूंगी कि अपने पे सेल्फ डिफेंस पे फोकस करें, अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को कुछ ना सिखा के भी टाइकोंडो, किक बॉक्सिंग ऐसी चीजें जरूर सिखाए कि कुछ ना हो तो कि अपने कम से कम अपना अपने आप को बचा सके। मैम, बहुत सी संस्थाओं के साथ आप लोग एसोसिएट हैं, आप खासकर बहुत सी संस्थाओं के साथ, एनजीओ के साथ हैं, रिचर्ड मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ अभी हाल ही में आप एसोसिएट हुई हैं, बहुत जानी मानी कंपनी है, न्यू है लेकिन मार्केट में बहुत ज्यादा इस कंपनी ने अपना नाम कमाया है अपनी मेडिसिन को लेकर, तो कैसा लग रहा है मैम एसोसिएट होके, और आप एसोसिएट होने का रीजन क्या था? मैं रिचर्ड मल्टी सर्विसेज से पिछले 3 महीने से एसोसिएटेड हूँ, और मैं ये कहूँगी कि इसके जो फाउंडर हैं आशीष जी, उन्होंने पहले मुझे प्रोडक्ट्स दिए और मैंने उनको यही कहा था कि जब तक मैं इन प्रोडक्ट्स को खुद ट्राई नहीं करूँगी, मैं इसके साथ एसोसिएशन नहीं बनाऊँगी। और ट्रस्ट मी, बिकॉज आई एम 40 और एज यू नो कि व्हेन यू आर 35+ यू नीड सप्लीमेंट्स, आपको मल्टी वाइटामिन्स भी चाहिए, आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर भी चाहिए, एवरीथिंग यू नीड, ऑल काइंड ओमेगा 3, वाइटामिन सी, सारे सप्लीमेंट्स आपको आज के टाइम में ज़रूरी हैं। और बीइंग अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर, क्योंकि मैं दिन में इतनी क्लासेस लेती हूँ और अपनी भी क्लासेस, अपने आप को फिट रखने के लिए भी एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेस करती हूँ, तो मैंने पर्सनली ये प्रोडक्ट्स को ट्राई किया हुआ है। और ट्रस्ट मी, आई मीन अगर मैं एक दिन भी अगर ये सप्लीमेंट्स नहीं लेती हूँ, मेरी बॉडी के अंदर मुझे बहुत ही बदलाव दिखता है, मेरे एनर्जी लेवल्स शाम तक डाउन हो जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स ट्रस्ट मी बहुत ही जेन्युइन है कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स व्हाट आर अवेलेबल इन द मार्केट, चाहे इनके मल्टी वाइटामिन्स हैं, चाहे इनका कर्क्यूलिन है, चाहे इनके प्रोटीन पाउडर है, सो एवरीथिंग इज नेचुरल, सेफ। क्या मैसेज रहेगा मैम व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं कि फिट रहने के लिए क्या क्या टेक्निक्स करनी चाहिए, बिकॉज आजकल लोग फास्ट फूड का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, हेल्दी फूड कोई खाना पसंद नहीं करता, खासकर बच्चे घर का खाना बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, उनको सिर्फ और सिर्फ फास्ट फूड चाहिए, लेकिन बहुत सी डाइटिशियंस, बहुत से फिटनेस ट्रेनर्स ऐसे भी हैं दिल्ली में उपस्थित जो कहते हैं फास्ट फूड खाओ फिर भी फिट रहोगे। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मेरी बेटी 5 साल तक उसने ना ही कोई पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, किसी भी चीज़ को टच भी नहीं किया था। मैं इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट थी, मैं उसको बाहर भी बर्थडे पार्टीज में लेके जाती थी, उसको घर से खाना खिला के जाती थी या वापस आने के बाद खिलाती थी, क्योंकि कहते हैं 5 साल तक बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है, तो ये जंक फूड जो है आपकी ब्रेन डेवलपमेंट को भी स्लो करता है, आपके फिजिकल ग्रोथ को भी स्लो करता है। तो ना मैं अपने डाइट्स में और अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल फास्ट फूड का मैं बिल्कुल नहीं कहती कि अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, अपना सिंपल घर का खाना उससे अच्छा कुछ नहीं है। एक तो वी आर ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहां पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेन्स मिलते हैं जो आपकी बॉडी को हर चीज़ देते हैं, प्रोटीन से लेके, कार्ब से लेके, फाइबर से लेके, इतनी वैरायटी ऑफ फूड आपको कोई भी देश में नहीं मिलती। और अगर इस देश में रह के भी हम वेस्टर्न कंट्रीज का फास्ट फूड अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर रहे हैं, देन इट्स एक्चुअली अ शेम ऑन अस। यू नो द वेस्टर्न कंट्रीज हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग यू नो द ग्रेन्स व्हाट वी आर ईटिंग बिकॉज दे आर सो हेल्दी। हमारे हर खाने में हल्दी डलती है,
जो सबसे बड़ा एंटी इंफ्लेमेटरी कह लीजिए आप उसको, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कह लीजिए, आजकल मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट सब बन रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा यू नो कर्क्यूमिन इंग्रेडिएंट है। तो जब हमारे को सब कुछ हमारी कंट्री में मिलता है और सब घर पे खाना बनाते हैं, नॉर्मल दाल चावल सब्जी, सारी सब्जियां, इतनी वैरायटी है हमारे पास जहाँ पे हमें उसके थ्रू हमें सारे मिनरल्स विटामिंस मिलते हैं, तो आई पर्सनली डू नॉट रिकमेंड। एंड मुझे नहीं समझ आता कोई डाइटिशियंस वगैरह कैसे फास्ट फूड को प्रमोट करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ बताइए मैम ने, जिस तरह से तरनजीत जी भी बहुत सी कंपनीज के साथ एसोसिएट हैं, रिचर्ड मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ज़्यादा मेडिसिन में आगे धीरे धीरे बढ़ रही हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैम ने बताई कि फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आजकल जो छोटे बच्चे हैं उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, डोमिनोज पिज्ज़ा और बर्गर किंग्स या पिज़्ज़ा हट सिर्फ और सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो अपना बिजनेस कर रही हैं। हम लोग इंडियंस के माइंड्स को सिर्फ हमारा टेस्ट बर्ड है, जो हमारी टंग होती है, टंग ट्विस्टर टेस्ट लग जाता है, और इंडियंस को सिर्फ टेस्ट पर ध्यान जाता है, हेल्थ पर ध्यान नहीं जाता। तभी आजकल बहुत सी बीमारियाँ, शुगर, डायबिटीज, इनऑल्कोहल, बहुत सी ऐसी डिजीज है जो हम लोगों की बॉडी को अफेक्ट कर रही हैं। जंक फूड का सेवन कम करें, साथ ही साथ एरियल योगा पे आप लोग ज्यादा ध्यान दें। एरियल योगा सीखने के लिए, जुड़ने के लिए तरनजीत मैम से आप जुड़ सकते हैं। नोएडा में अभी फर्स्ट सेंटर ओपन हुआ है, आगे बहुत से सेंटर दिल्ली एनसीआर में आपको तरनजीत जी के नेतृत्व में चलाते हुए दिखाई देंगे। आगे की तमाम जानकारी और खबरों के लिए जुड़े रहिए समाचार 24 प्लस के साथ। विविड वाइब्स इज द फर्स्ट एरियल योगा स्टूडियो इन नोएडा। एट विविड वाइब्स वी एम एट चेंजिंग लाइव्स by making people realize the importance of leading a healthy lifestyle, not only physically but mentally and spiritually. So what are you waiting for? Come and have a great experience at our Aerial Yoga Studio. We would be delighted to serve you. Thank you.